हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आप सभी को पता चल गया होगा कि एनएमसी एक्ट 2019 जो है वो कल यानी कि 25 सितंबर 2020 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, और उसके चलते जो एमसीआई था, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भंग कर दिया गया है और कल से एनएमसी एक्ट 2019 जो है वो लागू हो चुका है। तो एनएमसी एक्ट में क्या क्या रूल्स लागू होंगे, क्या फीस मेडिकल कॉलेजेस की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कम की जाएगी, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ अब आपका जो है वो एमबीबीएस की प्रक्रिया काफी ज्यादा कठिन होने वाली है, उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज। तो डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका विरोध जो है वो डॉक्टरों ने किया था, एनएमसी एक्ट 2019 का क्यों किया था उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके चलते भी दोनों सदनों में ये जो एनएमसी बिल है वो पारित हो गया। चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाली जो एमसीआई है उसको रद्द कर दिया गया और एनएमसी का गठन किया गया था। अब देश में मेडिकल शिक्षा और मेडिकल की जितनी भी सर्विसेज होंगी उन सभी पर जो नीतियां बनेंगी, जो रूल्स बनेंगे, उसकी कमान किसके हाथ में होगी, तो उसकी कमान एनएमसी के हाथ में ही दी जाएगी। उसके चलते इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया है वो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा को बनाया गया है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जो कि एम्स दिल्ली में ईएनटी के विभागाध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं, लेकिन अभी रिटायर्ड है। इनकी 3 साल की अवधि होगी और एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। एनएमसी की बात करें तो इसमें 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये 22 सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उसके चलते जो एनएमसी एक नया निकाय है जो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से केंद्र सरकार के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करने के दिन शुक्रवार से देश में चिकित्सा शिक्षा के नियामक के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए क्या हुआ था कि जो एमसीआई है उसको 2019 में ही भंग कर दिया गया था, लेकिन उसके स्थान पर एमसीआई की जो बीओजी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो कार्य कर रही थी, वो सब कुछ इसका देख रही थी। और इसका क्या था, अवधि क्या थी कि जब तक एनएमसी एक्ट लागू नहीं होता तब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही कार्य करेगी, ठीक है। तो अभी जब एनएमसी एक्ट लागू हो चुका है तो एमसीआई भी भंग हो चुकी है और इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी भंग कर दिया गया है। अब बात जो आती है ना, बात आती है फीस को लेकर, ठीक है, बात आती है फीस को लेकर। लेकिन फीस से पहले एक और है कि इसके तहत क्या होगा कि जो प्राइमरी हेल्थ जो थे, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ थे, जो प्राइमरी हेल्थ में काम करने वाले थे, उनको जो है वो मरीजों का इलाज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स लाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस कानून के तहत ना 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स लाया जाएगा जिसमें जो प्राइमरी हेल्थ में काम करने वाले हैं ना वो इस कोर्स को कर पाएंगे, और इस कोर्स को करने के बाद वो भी मरीजों का इलाज कर पाएंगे, यानी कि उनको भी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो विरोध इसलिए डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था कि उनका मानना था कि ये झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जाल फेंकने का आसार बढ़ जाएंगे, यानी कि जो झोला छाप डॉक्टर है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हड़ताल करने के बाद डॉक्टरों को कहना था कि ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरों को एक परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अब बात ये आई कि सरकार का कहना है कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा। पहले क्या होता था कि आपने अगर नीट पास कर लिया तो आप में एक खुशी आ जाती थी कि अब तो हमारी एमबीबीएस हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको नीट पास करने के बाद एमबीबीएस के जितने भी एग्जाम्स होंगे, यानी कि जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, उनको पास करना पड़ेगा। वो तो पहले भी पास करने पड़ते थे, लेकिन एमबीबीएस के बाद आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट भी देना पड़ेगा। उसी के बाद ही आपको जो है वो एमबीबीएस की डिग्री जो है वो मिल पाएगी। लेकिन जो एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्सेज, यूजी के बाद पीजी कोर्सेज की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें भी नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको भी पीजी कोर्सेज में जो है वो नहीं मिलेगा। पहले नीट पीजी देना पड़ता था, अब नीट पीजी को समाप्त करके नेक्स्ट का एग्जाम रखा गया, अब आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, और एमबीबीएस के बाद भी आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट तो देना ही है। नेक्स्ट देने के बाद आपको चूज करना है कि आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है या फिर पीजी कोर्सेज में जाना है। बात की जाए फीस की, तो जो 2019 में रूल लाया गया था उस टाइम ये बोला गया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस है वो 60% सीटों पर निजी संस्थान खुद फीस तय करेंगे, ठीक है। क्या किया गया था कि 100 सीट अगर किसी कॉलेज में है तो उनकी 60 सीट और 40 सीट में डिवाइड कर दिया जाएगा। इन 40 सीटों की जो फीस है वो गवर्नमेंट तय करेगी, और इन 60 सीटों की फीस है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो खुद तय कर सकते हैं। तो ये जो 40% सीट्स है इन पर गवर्नमेंट फैसला लेगी
कि कितनी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में रखी जानी है, और ये जो फीस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस के बराबर ही रखी जाएगी, लेकिन इन 60% सीटों पर कॉलेज अपनी मनमानी से फीस वसूल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला था एनएमसी एक्ट 2019 के बारे में। तो 2019 में ये रूल्स बताए गए थे, 2020 एनएमसी एक्ट लागू होने के बाद 2020 में इसके क्या रूल्स रहेंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशंस इसके द्वारा जारी किए जाएंगे, वो तब पता चलेगा जब इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि क्या क्या एनएमसी एक्ट 2019 के चलते क्या क्या मेडिकल के क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं। और उन्हीं के बदलाव के चलते एक और वीडियो दूंगा जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा 2020 में क्या क्या रूल्स आपके लागू होने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था फीस वगैरह को लेकर कि अब फीस क्या रहेगी, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। 2019 के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि ये हो सकता है, यही सर गवर्नमेंट द्वारा बोला गया था, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक इंडेक्स भी तैयार किया था 2019 में फीस को लेकर। तो गाइज उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट जो है कमेंट में क्लियर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।